In Ghazipur, lawlessness touched a new low when a youth refused to hold a bag of an accused and was shot at point-blank range and murdered. The one killed was just 14 years old. With this happening, elder brother of Mukhtar Ansari has asked for the arrest of the accused. Everyone likes to see a fair, and so did Kamlesh. He was so eager to see one that a day back he reached a relative's home in Karimuddinpur. While going for nature's call, he came face to face with a local goon, Golu Rai, a man who is booked under Section 307 of the IPC. He asked Kamlesh to hold his bag, but he refused. The 14-year-old was fired at and he was spot dead. The family has been distraught. Local MLAs are now taking up the issue, calling for justice for the family. जो इस क्षेत्र में आतंक मचाए हुए हैं, निरी लोगों की हत्या कर रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रहा है। मौजूदा थाना अध्यक्ष का पूरा संरक्षण उन अपराधियों को प्राप्त है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ये जो मारा गया बच्चा, ये आया था अपने नाना के यहाँ, ये मेला देखने कल ही आया है और आज सुबह इसको गोली मार दी गई। इसका नाम है कमलेश राजभर। The police, however, are thinking twice before acting as this involves a high-profile person. They do promise of action. प्रातः 6 बजे कमलेश राजभर नाम का लड़का, जिसकी उम्र करीब 14 साल की होगी, ये शौच के लिए गया था। उसी समय उसको गोली लगी और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। बाद में ये जानकारी हुई कि इसमें गोलू राय नाम का बदमाश है, जो पहले भी 307 का मुजरिम रहा है और पुलिस को उसकी सरगर्मी से तलाश थी, वो आया था और उसने गोली मारी। और एसओ को मतलब बर्खास्त करने की और अपराधियों की गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे थे। ये घटना, चूंकि जो गोलू राय इसमें घटना में शामिल बताया जाता है, वो इससे पहले 1.5 महीने पहले एक संतोष गुप्ता नाम के व्यापारी को उसने गोली मारी थी और व्यापारी के बच गया था और उसमें उसकी तलाश तब से हो रही थी। चूंकि इसी अभियुक्त ने दोबारा गोली चलाई है, इसलिए लोगों को आक्रोश होना स्वाभाविक है और पुलिस इसमें तत्परता से इनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी कर रही है। This report was brought to you by NNIS.